दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो इस बार पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फॉर्मर एटीपी रैंकिंग नंबर वन भी रह चुके हैं और एटीपी रैंकिंग नंबर वन के बादशाह फिर से बन के बैठे हुए हैं, जैसे विंबल्डन टाइटल जीत लिया था। मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जीता टाइटल बड़े प्लेयर के खिलाफ जीता था, जोकोविक की नहीं, इस बार बात कर रहा हूँ कार्लोस अल्कराज की। देखा जाए कार्लोस अल्कराज ने अपना नाम धीरे धीरे जमाना शुरू कर दिया है और वो सारे बोल रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट प्लेयर बने हैं, जैसे नोवो जोकोविक बने हैं, बन भी सकते हैं। रॉजर फेडर, राफा नदाल और नोवो जोकोविक की इतनी ज़्यादा तारीफ होती है और कार्लोस अल्कराज की भी तारीफ के पुलों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहे। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि उनके पास भी बहुत सारे ग्रैंड स्लैम होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों जो पोस्ट मैच एनालिसिस है वो लेके आया हूँ, मैच पर्सन के साथ मैच था उनका वर्सेस सिनसिनाटी में मैच था, कार्लोस अल्कराज था एटीपी रैंकिंग वन और दूसरे क्वालिफायर थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन करके इतनी आगे तक पहुंचे थे। बट कार्लोस अल्कराज के खिलाफ पहले सेट में तो चली बट बाकी दो सेट्स में नहीं चली। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बनने से पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके तुरंत के तुरंत। अगर मैं पहले सेट की बात करूं तो पहले सेट में शानदार प्रदर्शन रहा, लाजवाब प्रदर्शन रहा, शुरुआत में 1-1 रहा, 2-2 रहा। उसके बाद इस बार मैच ने सर्विस गेम उनकी ब्रेटी टीम की नंबर वन प्लेयर कार्लोस अल्कराज की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। उसके बाद अल्कराज को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक जो नहीं कर पाए और पहला सेट जीते कार्लोस अल्कराज के खिलाफ। देखा जाए मैच पर्सन ने अच्छी प्रदर्शन बताया, अच्छी टेनिस का प्रदर्शन बताया वो, जिससे कारण वो पहला सेट जीते। सेकेंड सेट की शुरुआत की जाए तो सेकेंड सेट की शुरुआत इस बार अल्कराज ने अच्छी की, अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक भी की, फिर से अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। मैच पर्सन को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक करना जो कि नहीं आया कोई ब्रेक पॉइंट और अपनी सर्विस पे अल्कराज होल्ड रखने में माहिर रहे सेकेंड सेट में और 6-3 से सेकेंड सेट जीता। थर्ड सेट की शुरुआत और बढ़िया रही क्योंकि इस बार आते ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी, उसके बाद अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, टू लव किया, लग रहा था कि भाई इजिली जीत जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैच पर्सन ने एक बार सर्विस गेम बोर्ड ब्रेक की, 2-2 पे बराबर किया, फिर 3-3 हुआ, फिर 4-4 हुआ, फिर कार्लोस अल्कराज ने सर्विस गेम ब्रेक की, 5-4 हुआ और वो 7-4 द सेट एंड मैच करवा रहे थे। उसके पास मैच पर्सन के पास आया भी था ब्रेक पॉइंट, मैच पर्सन नहीं ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट कर पाया, ब्रेक पॉइंट सेव किया कार्लोस अल्कराज ने, वो सर्विस गेम अच्छी करवाई और ये सेट जीता और मैच जीता। पहला सेट हारने के बावजूद 4-6 से, सेकंड सेट 6-3 से, थर्ड सेट 6-4 से जीते। अब वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करने का मतलब है क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन किया क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया तो इसका मतलब है भाई वो पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं सेमीफाइनल में। दोस्तों देखा जाए ये मैच के स्टैट्स और तो स्टैट्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है बट इस बार डबल फॉल्ट का प्रदर्शन बहुत ज्यादा भारी रहा दोनों प्लेयर्स पे। कार्लोस अल्कराज ने 8 डबल फॉल्ट किए और एसिस 6 लिए, दूसरे मैच ने 10 एसिस को लिए बट 7 डबल फॉल्ट भी किए। देखा जाए डबल फॉल्ट ज्यादा हुए दोनों प्लेयर्स द्वारा और आता है दूसरा जो मेन फैक्टर होता है वो है ब्रेक पॉइंट्स। 1 out of 3 कार्लोस अल्कराज ने ब्रेक पॉइंट सेव किए थे 8 बट 2 बार सेव करने में कामयाब नहीं हुए। 8 पहले सेट जिसमें उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई थी और सेकंड सेट में जब वो 2-1 से आगे थे तब सर्विस गेम ब्रेक हुई थी। दूसरी ओर देखा जाए 6 out of 9 मैच पर्सन के पास ब्रेक पॉइंट्स आए बट उन्होंने काफी बार सेव किए, 6 बार सेव करने में कामयाब भी रहे बट 3 बार सेव करने में कामयाब नहीं रहे। 8 सेकंड सेट में और 2 थर्ड सेट में। तो यही मेरे पोलैंड के खिलाड़ी हैं हुबर्ट हुरकैच, तो कैसा प्रदर्शन हो रहा दोनों के बीच में अपनी राय दें। और आप लोग दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।